हेलो गाइज, मैं हूँ हार्दिक पांचाल और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई होंडा शाइन। एक तो अपना बेसिक वेरिएंट ड्रम ब्रेक वाला और दूसरे वाला है डिस्क ब्रेक वेरिएंट, जो कि मतलब दो ही वेरिएंट्स आते हैं इसके अंदर। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे इन दोनों के अंदर अपने को क्या क्या चेंजेस मिल जाते हैं और क्या कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्या नहीं मिलते, तो वो सारी चीज़ें जानेंगे आज। तो गाइज, अगर फ्रंट से लुक की बात करते हो तो ये आपका ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट खड़ा है, बेसिक वाला, और ये अपना डिस्क ब्रेक वाला है। तो गाइज, ये जो बेसिक वाला है इसके अंदर भी आपको हैलोजन लाइट मिलती है, इंडिकेटर के अंदर भी हैलोजन लाइट मिलती है, और ये जो अपना टॉप वेरिएंट है इसके अंदर भी हैलोजन लाइट ही मिलती है और इंडिकेटर में भी हैलोजन मिलती है। भाई इसमें भी क्रोम मिल जाता है, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, इसके अंदर भी क्रोम देखने के लिए मिलता है आपको, पियानो ब्लैक फिनिश देखने के लिए मिलती है। तो गाइस, फ्रंट से हेडलैम्प वगैरह अंदर तो कोई डिफरेंस है नहीं इनके अंदर, और मड गार्ड है वो भी आपको सिंपल ग्लॉसी कलर के अंदर मिल जाता है, ये भी सिंपल सही है, जैसा उस कलर के मैचिंग का उस कलर में ही दे रखा है। अगर टायर्स की बात करें तो 5-spoke अलॉय व्हील मिलते हैं इसके अंदर, पर इसके अंदर मिलती है आपको ड्रम ब्रेक्स। और इसका टायर साइज़ दिखाऊँ तो ये मिलता है आपको 80/100 18 इंची का टायर साइज़ मिलता है इसके अंदर। और उसका देखते हैं एक बार, तो इसके अंदर भाई 5-spoke अलॉय व्हील इसके अंदर भी सेम अलॉय मिलता है, बस इसके अंदर डिस्क ब्रेक ऐड हो जाती है। और उसका टायर साइज़ दिखाए 80/100 18 इंची का, तो गाइस दोनों के टायर साइज़ भी सेम मिल जाते हैं। बट लेकिन जो ड्रम ब्रेक होती है ना, इसकी ब्रेकिंग पावर काफ़ी कम होती है, और ये वाली इसकी ब्रेकिंग पावर काफ़ी बढ़िया होती है। डिस्क ब्रेक होती है ना, 125cc का इंजन मिलता है दोनों के अंदर। अगर पावर की बात करें तो 10 BHP के आसपास निकालती है, 10.1 या 2, और 11 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। दोनों बाइक के अंदर सेम इंजन आता है और सेम पावर निकालती है। और अगर साइड से लुक की बात करें तो ये कुछ इसी शाइन की लुक मिलती है ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट्स की। इसके अंदर भी आपको साइड में क्रोम होंडा का लोगो वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। और जो अगर टॉप वेरिएंट है इसकी बात करें तो इसके अंदर भी क्रोम होंडा की बैजिंग, क्रोम वगैरह देखने के लिए मिल जाता है आपको। 125cc की बैजिंग इसके अंदर भी मिलती है, उसके अंदर भी मिल जाती है आपको 125cc की बैजिंग यहाँ पर। और गाइस, रेयर से लुक की बात, इसकी कुछ इस टाइप की रेयर से लुक आती है। LED टाइप हैलोजन लाइट मिलती है इसके जो टेल लैंप है, इंडिकेटर में हैलोजन बल्ब मिलता है, मड गार्ड कुछ इस टाइप का मिलता है। और इसकी जो टेल लैंप है इसके अंदर भी सेम टेल लैंप मिलता है आपको, LED टाइप हैलोजन लाइट मिलती है, इंडिकेटर में भी हैलोजन, मड गार्ड कुछ टाइप का, पैसेंजर फुटरेस्ट दोनों के अंदर मिल जाते हैं, लेडीज़ फुटरेस्ट भी, और साइलेंसर पर क्रोम है, वो भी आपके टॉप वेरिएंट में भी यूज़ करा है, और ये अपने बेस वेरिएंट के अंदर भी क्रोम यूज़ करा है। भाई इनके अंदर और कोई डिफरेंस नहीं है, बट लेकिन जो टॉप वेरिएंट वाली बाइक है ना, होंडा शाइन डिस्क ब्रेक वाली, इसके अंदर आपको रियर में ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलती है, और इसके अंदर भी आपको ड्रम ब्रेक ही देखने के लिए मिलती है, बस ये अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाती है इसके अंदर। और इसके टायर साइज़ देखा हूँ तो 80/100 18 इंची का रियर टायर दोनों के अंदर मिलता है, सेम ही मिलता है। 5 गियर बॉक्स आते हैं भाई इस बाइक के अंदर 125cc के अंदर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो दिखा देता हूँ, ये मिलता है भाई आपको इसका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 140 तक मार्किंग मिल जाती है आपको, फ्यूल के लिए मिल जाता है, इंडिकेटर, हाई बीम, ये कुछ की मिलती है सिंपल सी, इंडिकेटर, हॉर्न। यहाँ पे पासिंग के लिए हटा दिया भाई, मतलब पासिंग के लिए तो है पर हाई बीम लो बीम हटा दी यहाँ पर, अब की ये वाली सेल्फ भी हटा दिया। ये कैसी टेक्नोलॉजी डालते जा रहे हैं भाई ये होंडा वाली, ये अपनी ऑन ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, इसी से सेल्फ वगैरह यूज़ हो जाता है। और इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर भी भाई सेम एनालॉग मीटर यूज़ करा है, 140 तक, फ्यूल, इंडिकेटर, हाई बीम, इसके अंदर भी पासिंग करनी है, इंडिकेटर है, हॉर्न है, ये अपनी ऑन ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, सेल्फ वगैरह इससे यूज़ कर सकते हैं। 11 लीटर का इसके अंदर फ्यूल टैंक मिलता है। भाई माइलेज की बात होती है भाई, ये जो बाइकें होती है ना असल में होती है माइलेज के लिए, ये माइलेज जो निकालती है भाई निकालती है 65 से 70 जो कंपनी क्लेम करती है होंडा शाइन की माइलेज, तो भाई लोग असल में माइलेज के लिए ही लेते हैं। अगर इसका ऑन रोड प्राइस बताऊँ तो ये जो डिस्क ब्रेक है ना, इसके चक्कर में आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं अगर आपको डिस्क ब्रेक चाहिए। ये आपकी पड़ती 83,000 की ऑन रोड दिल्ली के अंदर, और ये अपनी 89,000 की ऑन रोड दिल्ली के अंदर पड़ जाती है अगर आपको डिस्क ब्रेक चाहिए, तो भाई आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, और कोई डिफरेंस है नहीं बाइक के अंदर, मैंने दिखा दिया आपको। यही थी मेरी वीडियो को, पसंद लाइक करना, थैंक यू।